देखिए, मेरा सोया चाप बन के तैयार हो गया है। शाम के नाश्ते के लिए बेस्ट ऑप्शन है, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपके घर कोई गेस्ट आने वाले हो तो भी आप सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तो आपको बना के दिखाना बनता है, तो चलिए मेरे साथ, मैं उसको बना के दिखाती हूँ आपको। सोया चाप बनाने के लिए ये मैं 6 सोया स्टिक ली हूँ। ये मेरा होममेड है, इसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगी। और इसके लिए देखिए, 2 चम्मच दही ली हूँ, ये मैदा, और ये सोयाबीन बड़ी का मैं मिक्सी में थोड़ा दरदरा ग्राइंड कर ली हूँ। देखिए इतना मोटा, देख सकते हैं आप, इस तरह से मोटा मोटा ग्राइंड कर ली हूँ। आप इसको कूट भी सकते हैं, लेकिन इसमें कूटने में काफी टाइम लगता है, तो मैं इसमें मिक्सी में चला ली हूँ। मिर्चा पाउडर, थोड़ा जीरा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, यह है अदरक लहसुन का पेस्ट। सबको मिक्स कर लेंगे। देखिए मेरा मसाला तैयार हो गया है। अब मैं ये सोयाबीन स्टिक को इस तरह से हल्का हल्का चीरा लगा दूंगी चारों तरफ से। इससे क्या होगा, देखिए इसमें मसाला अंदर चला जाएगा, बीच बीच में कट कर दे रहे हैं। इसी तरह से मैं सबको कर लूंगी। अब देखिए इशारा सोया चाप स्टिक को मैं इस तरह से मसाला से कोट कर लूंगी चारों तरफ से। इसी तरह से सबको कर दूंगी मैं। देखिए मैं मसाला से इसको अच्छे से कोट कर दी हूँ। अब इसको आधे घंटे के लिए मैं मैरिनेट करने के लिए छोड़ दे रही हूँ, उसके बाद मैं इसको तलूंगी। अब ये जो मैदा ली हूँ मैं, उसमें थोड़ा सा 1/2 चम्मच पेपर पाउडर डाल दी हूँ और थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाली हूँ, बस 1 पिंच। हल्का सा नमक भी ऐड कर दे रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसके घोल को पतला नहीं करना है। इसे धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे हमसे। देखिए ये इस घोल को इतना थिक तैयार करना है, देखिए इस तरह से, बहुत पतला नहीं करना है। देखिए मेरा आधा घंटा हो गया है, ये अच्छे से मसाला में कोट हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि मैदा के साथ, देखिए मैदा में इस तरह से इसको डुबो देना है। मेरा छोटा बर्तन, तो मैं इसको चम्मच से ऐसे कर दे रही हूँ। देखिए चारों तरफ से इसको कवर कर दिए। अब इसको इसमें ऐसे लपेट लेना है। इस साइड नहीं, उसको ऐसे से कैसे डाल दे। देखिए तैयार हो गया अच्छे से, इसको कढ़ाई में डाल देना है। फ्लेम को कम ही रखेंगे।
देखिए इसको हटा हटा के डालना है और फ्लेम को मीडियम रखना है, तेज नहीं रखना है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। और तेज रखने से क्या होगा ना, एक साइड जल जाएगा। देखिए मेरा सोया चाप बनकर तैयार हो गया। देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है इसका। अब मैं इसको निकाल ले रही हूं। अब इसी तरीके से मैं दूसरा बैच भी डाल दे रही हूं उसमें। ये बड़ा साइज का है ना, इसलिए एक चम्मच से लेकर सहारा देकर इसको पलटना आसान होता है। फ्लेम को एकदम मीडियम से भी थोड़ा कम रखें क्योंकि अंदर तक ये क्रिस्पी हो जाए। दूसरा बैच भी तैयार होगा, इसको भी निकाल ले रही हूं। देखिए मेरा सोया चाप बनके तैयार हो गया। अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ आपको। देखिए मेरा सोया चाप बनके तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा।